हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ जनपद पे गुजराती लेन है, वहाँ से मैं गरबा की आउटफिट लेने जाने वाली हूँ। मुझे किसी गरबा फंक्शन के लिए जाना है, तो वहाँ पे डांडिया वाला आउटफिट चाहिए मुझे, तो वो मैं खरीद। तो गाइस चलते हैं जनपद, आपको सैर कराती हूँ जनपद की और गरबा वाला आउटफिट खरीदते हैं वहाँ से। देखती हूँ मुझे किस कलर का, मैं सोच के जा रही हूँ कि मैं पिंक कलर का कुछ लूँगी। अब मुझे वहाँ जाके देखती हूँ मैं अपना प्लान चेंज करती हूँ या मैं पिंक लेके आती हूँ। गाइस चलते हैं फिर। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल, मैं अपनी कैब का वेट कर रही हूँ, आ जाए फिर मैं निकलती हूँ। आजकल मैं अपनी ज्वेलरी जो जो मैं ख़रीद के लाई हूँ मैंने सब नवरात्रों में पहन लिए, बहुत मेरे अच्छी शॉपिंग रही और यूज़ भी हो गया तुरंत। कुछ चीज़ें हम लाते हैं फिर वो महीनों तक पहनी नहीं जाती, बट इस बार मैंने फटाफट सब पहन लिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। मुझे आप मेरा ज्वेलरी वाला ब्लॉग देखिए, उसमें ये 35 रुपीज़ का मुझे मिला था, इतना सुंदर। गाइज कैब आ गई तो चलते हैं, चलते हैं गाइज। अभी गर्मी बहुत है, उधर धूप बहुत होगी, मैं एकदम दिन में ही जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ पे पहुँच के मुझे पसंद आता है, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे ख़रीदा है इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ रिकमेंडेशन पे। अब मैं देखती हूँ वहाँ पे मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने खरीद लिए ज्वेलरी जिसके पेच अभी लग रहे हैं। मेरी शॉपिंग हो गई यहाँ से डन, मैं चलती हूँ। ये देखिए गाइज मेरी शॉपिंग हो गई डन, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ घर। घर चल के आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ख़रीदा है, या फिर मैं आपको पहन के ही दिखा दूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस बहुत थे, मैं तो थोड़ा लेट आई हूँ बट अभी भी यहाँ पे मिल रहा है कलेक्शन। तो
देखिए मैं गुजराती लेंजे प्यारा सा बैग लेके आई हूँ, इसलिए देखिए ऐसे स्ट्रैप में इसकी पूरा गद्दा वाला लुक दिया है। ये और भी कहीं चल जाएगा घूमने वगैरह हम जाते हैं तब मैं लेके जाऊँगी कहीं, इतना सुंदर लग रहा है। ये मुझे मिला है 1200 का। ये देखिए मेरा गुजराती आउटफिट जो मैं लाई हूँ डांडिया के लिए गुजराती लेन से, सीपी में है ये जगह जनपद के पास। ये देखिए गाइस ये पूरा आउटफिट मुझे 2200 का मिला है। ज़्यादा ऑप्शन मुझे इस समय नहीं मिल पाए क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई जाने में। और इसके साथ इन्होंने जो दुपट्टा दिया है गाइस, ये देखिए ये बेसिक सा दुपट्टा है और ये लहंगा भी बेसिक सा ही है। ये दुपट्टा दिया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं यूज करने वाली हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही बेसिक सा है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो मैं दुपट्टा कोई और ले लूँगी इस पर जो मुझे अच्छा लगेगा, कोई मिक्स कर लूँगी अपना मिक्स एंड मैच, इसमें मल्टी कलर है तो बहुत सारे चल जाएंगे। बाकी प्राइस वाइज मुझे ठीक लगा और मुझे बिल्कुल फिट भी, ज़्यादा मुझे ऑल्ट्रेशन इसमें नहीं करना पड़ा। बहुत लंबे लंबे भी थे जिनमें ऑल्ट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता, मुझे जल्दी थी थोड़ी तो मैं मुझे इसलिए ये वाला फिट करना पड़ा। तो गाइस अब मैं इसको पहन के रेडी होके आपको फिर अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। अभी आज तो मैं लेके आई हूँ, मुझे 2-3 दिन बाद जाना है। गाइस ये देखिए जो मैं जनपद से मैंने जो ज्वेलरी ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इयररिंग्स लिए हैं और एक मैंने रिंग ली है। मैंने अभी येलो कलर का आउटफिट मंगाया उसके लिए मैंने रिंग ली है। रिंग मुझे मिली है 150 की और ये सेट काफ़ी महंगा था, वो 1600 बोल रहे थे। मैंने कई दुकानों पे 600 से ट्राई किया कि मुझे 600 में मिल जाए, 700 में मिल जाए, पर किसी ने नहीं दिया। अभी इसका सीज़न चल रहा है एक्चुअली गरबा का, इस वजह से वो ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे। फिर फाइनली मुझे ये 800 में मिला है। ये सरोजनी से थोड़ा अलग ज्वेलरी है, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसलिए काफ़ी महंगी मिली है मुझे, लेकिन ये है बहुत सुंदर। तो फिर फाइनली मुझे 800 में ये मिल पाया। ठीक है, इसमें अपने आउटफिट को ऑल्टर करा लेती हूँ और मैं पहन के रेडी होके आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ब्लॉग देखते रहिए गाइस और शॉपिंग आइडिया लेते रहिए और खुद भी शॉपिंग पे चले जाइए। दिल्ली आइएगा तो ज़रूर इन जगहों पे जाइएगा जिन जगहों की मैं बात कर रही हूँ गाइस, बहुत अच्छी शॉपिंग होगी आपकी। ओके बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।